हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल YT सर्विस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने एम्प्लॉय, अगर आपका कोई एम्प्लॉय, उसका आधार कार्ड आप ले रखे हैं और किस तरह से आधार कार्ड को आप सोच रहे हैं वेरीफाई करें ऑनलाइन कि इनका आधार कार्ड सही है या नहीं है। तो आपको इसी वीडियो में अच्छे से कवर करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप आधार कार्ड के नंबर को किस तरह से ऑनलाइन वेरीफाई कर पाओगे कि हाँ ये जेन्युइन है और इनका सही यानी जो आधार कार्ड मुझे दिया है वो सही ही दिया है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल YT सर्विस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस तरह से क्वालिटी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्त, बताते हैं किस तरह से आधार कार्ड को ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना अपने क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे आपको टाइप करना है UIDAI, ठीक है। आपको यहाँ पर टाइप करके आ जाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ आप क्लिक कर दोगे तो इनका बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं कि किस तरह से आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा देता हूं। तो यहां आप देखेंगे लेफ्ट साइड में माई आधार लिखा हुआ है, तो माई आधार पे आपको क्लिक नहीं करना है, बस उस पर आप माउस रख देना। तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो यहां पे आप देखेंगे आधार सर्विस में देखेंगे वेरीफाई आधार नंबर, ठीक है। तो वेरीफाई आधार नंबर पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको यानी आधार से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको इंटर करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कि यहाँ पे लिखा है कि आपको बिल्कुल सही नंबर डालना है। अगर आप गलत डाल दोगे, मैं एग्जांपल तौर पे भी आपको गलत नंबर डाल देता हूँ कि ये आधार नंबर है, तो अब कैसे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी बता रहा है अगर आपका आधार नंबर बिल्कुल भी सही नहीं है, इस तरह की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर रेड कलर का अलर्ट आ चुका है, तो यहाँ पर हम हटा देते हैं और अपना सही वाला आधार नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जैसे ही सही आधार नंबर डाला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है कि आधार नंबर आपका सही है। लेकिन अभी सही का मतलब ये है कि सही है लेकिन आपका वेरीफाई नहीं हुआ है। इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे कैप्चा डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कैप्चा डाल देते हैं और फिर वेरीफाई होगा। जैसे आप प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे जैसे मैंने वेरीफाई क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है कि आपका आधार नंबर ए है और आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट और एज है 20 से 30 के अंडर में, तो मेरी 23 के आसपास है। तो यहाँ पे 23 के यानी कि 20 से 30 के वो बता रहे हैं अंदर है, और जेंडर मेल हैं और स्टेट उत्तर प्रदेश के हैं और मोबाइल नंबर लास्ट के थ्री डिजिट उन्होंने दिखा दिए, जो मोबाइल नंबर लगा है वो आपका दिखा दिया। किस तरह से बता सकते हैं कि आप अगर आप ढूंढ रहे हैं कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा नंबर लगा है तो इस तरह से अपने मोबाइल नंबर को भी चेक कर पाओगे कि हमारे आधार नंबर में कौन सा मोबाइल नंबर लगा हुआ है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आई होगी किस तरह से आधार कार्ड को वेरीफाई करते हैं एंड प्लस आप किस आधार कार्ड में कौन सा नंबर लगा है वो भी किस तरह से इसमें चेक कर पाएंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस तरह से क्वालिटी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू।